वेलकम बैक टू माई स्काई। मैं हूँ अंजलि, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी यूएस में फर्स्ट ग्रुप कैंपिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, क्योंकि ये एक ग्रुप फैमिली कैंपिंग होने वाली है जिसमें करीब 10 फैमिलीज एक साथ कैंपिंग करने वाली हैं। तो हम सारे लोग मिल के ही सारा मील कैंपिंग के लिए घर से बना के ले जा रहे हैं। तो मुझे पूरे ग्रुप के लिए बनानी है पूड़ियाँ। तो बस निकल गए हैं हम लोग सारी पैकिंग करके और सारी तैयारी के साथ। तो वैसे तो जो ये बुकिंग थी हमारी कैंप साइट की, वो थी दिन की 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 11 बजे तक। लेकिन क्योंकि काफ़ी गर्मी है, मई का महीना चल रहा है, तो धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग घर से करीब 2 बजे के आसपास निकले हैं और अब हम पहुंच गए हैं अपनी कैंपिंग साइट पे। तो ये सामने आप लेक देख रहे हैं, तो ये है 370 लेक साइड पार्क, जो कि जाना जाता है कैंपिंग के लिए। आप यहाँ पे आके बड़ी कैंपिंग कर सकते हैं। और ये है हमारा कैंपिंग का एरिया जहाँ पर हमें अपना तंबू गाड़ना है आज। तो जैसे कि मैंने कहा, दिन का टाइम है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो यह सबसे पहले आके हम लोग अपना एक शेल्टर लगा रहे हैं, सो दैट कि सारे लोग इसके अंदर बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सके। धूप बहुत तेज है और गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइज, इसलिए मैं न्यूट्रीजना की अल्ट्रा शी ड्राई टच सनस्क्रीन रीअप्लाई कर रही हूँ। मैं घर से लगा के आई थी बट मैं अभी रीअप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हर 1.5 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए, रीअप्लाई करना चाहिए, स्किन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये है कैंप साइट और हमारा तंबू बिल्कुल गड़ चुका है। तो लोग अभी यहाँ वहाँ साइट्स देख रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, कुछ लोग ने टेंट लगा भी दिए हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ लेक साइड में। तो ये है इस कैंप साइट के एरिया में लेक, जो कि बहुत ब्यूटीफुल से साफ़ सुथरी लेक है। लोग यहाँ पे बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग भी करते हैं। तो शाम के करीब 5 बज रहे हैं और हमारी टी एंड इवनिंग स्नैक्स बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म समोसों के साथ चाय। चलिए दोस्तों, अब मैं कैंपिंग का सबसे जो एक्साइटमेंट पार्ट होता है वो अपना टेंट लगाना, वो भी अपना टेंट खुद लगाना, वो कर लेती हूँ। तो ये टेंट मैंने परचेज़ किया है यहाँ पे एक स्टोर से और बहुत ही रीज़नेबल है, ओनली $30 में मुझे ये 3 लोगों के लिए क्वीन साइज़ का टेंट मिल गया है। आप चाहोगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए टेंट लगाते हैं मिलके। टेंट लगाते लगाते मैं आपको 370 लेक साइड पार्क की कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। तो ये 370 लेक साइड पार्क यानी कि कैंपिंग एरिया जो है वो सेंट पीटर्स में है। काफ़ी अच्छा कैंपिंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ग्रुप कैंपिंग कर सकते हैं। आरवीज में भी यहाँ बहुत सारे लोग कैंपिंग करते हैं। आरवी क्या होती है मैं अभी आके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। एंड यहाँ पर वॉशरूम, बच्चों के लिए वाटरफ्रंट सब कुछ अवेलेबल है। एंड लॉन्ड्री की भी फैसिलिटी है यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर कपड़े भी धो सकते हैं। तो यहाँ पे लोग एक या दो दिन के लिए नहीं बल्कि हफ्तों हफ्तों तक कैंपिंग करते हैं। और आरवी एक काइंड ऑफ बड़ी बस होती है, जैसे कि इंडिया में फिल्म स्टार्स के वैनिटी वैन होती है, बड़ी सी बस है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है, किचन, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, एवरीथिंग, तो उसे कहते हैं आरवी। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए मेरा जो टेंट है उसमें कुछ और लोग आके मेरी हेल्प कर रहे हैं और वो बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो यस, मेरा टेंट भी लग गया है। यस, ये इनकी बात कर रही थी मैं, ये है आरवीज जो है बड़ी साइज़ की बसेस आप देख रहे हैं, इसके अंदर सारी घर वाली सारी फैसिलिटीज़ होती है। और शाम होने लगी है, हमारा बारबेक्यू रेडी हो रहा है और यहाँ पे कैंप फायर की भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। सनसेट बस होने वाला है तो हमने स्टार्टर स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्टर में है पनीर टिक्का और कॉर्न यानी कि भुट्टे। तो भाई कैंप में गर्मा गर्म भुट्टे और इस टाइप से खुद के हाथों से बनाए हुए पनीर टिक्कों की तो बात ही क्या है। तो सारी तैयारियां हम घर से करके लाए हैं, अब यहाँ पे आके खुद ये सारी बारबेक्यू करना और खाना, रियली मज़ा ही आ जाता है गाइज। यही तो होती है ग्रुप कैंपिंग की बात, एक अलग फीलिंग होती है। तो यस, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ के प्राइस भी बता दूँ। अगर आप भी इस एरिया में 370 लेक साइड में कैंपिंग करने के बारे में सोच रहे तो प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है। अगर दो लोग यानी दो फैमिलीज को पे करना होता है सिर्फ $30, यानी कि सिर्फ $15 पर फैमिली की कॉस्ट आती है, जो कि बहुत रीज़नेबल है इतने अच्छे कैंपिंग फन के लिए।
तो आरवीज में कैंप करने का भी अपना अलग ही मजा है गाइस। आई होप कभी मैं ज़रूर आरवी में कैंप करूँगी और शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस आपसे। तो चलिए, फ़िलहाल तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फन, और सनसेट हो चुका है और इस टाइम पे स्काई लग रहा है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। ये कैमरे में जितना अच्छा लग रहा है, रियल में उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रात हो गई और मच्छरों को अपने से दूर रखने के लिए, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए हमने कुछ कैंडल्स लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी रात हो गई है और ये फ़न टाइम है, तो हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, गप्पे लगाने वाले हैं। तो हमने बहुत सारे गेम्स खेले और डिनर भी कर लिया गाइस। डिनर रिकॉर्ड करना मैं सीरियसली भूल गई, क्योंकि खाना इतना टेस्टी था, इतना लाजवाब था कि मैं कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना भूल गई। तो चलिए, मैं आपको लेके आई हूँ अपने टेंट के अंदर। तो ये मेरा टेंट है और ये मेरी डॉल है और बाहर पार्टी हो रही है। तो मैं यहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ, थोड़ा डरा रही हूँ। मैं टेंट के अंदर हूँ और उन्हें पता नहीं कि अंदर कौन है। ये तो हमारी कैंप फायर जल चुकी है, हमारा डिनर हो गया है, हमारे गेम्स हो गए हैं, मस्ती हो गई है। अभी बहुत सारे लोग यू नो सब टायर्ड हो गए हैं और रिलैक्स करने के मूड में हैं, और सारी बच्चा पार्टी भी यहाँ बैठ गई है। तो जस्ट कैंप फायर इज ऑन। तो बस अब हम आ गए हैं अपने टेंट के अंदर एंड इट्स टाइम टू से गुड नाइट। सोने का टाइम है अब। एंड रियली बहुत मज़ा आया कैंपिंग में एंड इट वाज रियली अ डिफरेंट एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। एंड यस, अगर अभी तक आपने कैंपिंग नहीं की और ऐसा सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कैंपिंग कर डालिए। अगर आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे अगर नए हैं या फिर अगर पुराने भी हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, लव योर फैमिली। बाय बाय।